हे गाइस, हाउस वाइफ डेली कुकिंग में आपका स्वागत है। तो ये बेसन है, चना का बेसन है, इसको घोल तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से पहले इसको फेंटेंगे और इसमें सूजी मिला रहे हैं। तो 2 कप बेसन है तो 1 कप सूजी मिला रहे हैं। तो ये तीसी है, तीसी इसको बोलते हैं गाइस, जो ये ब्लड प्रेशर शुगर के लिए रामबाण होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गैस उस नहीं बनाता, तो इसका बरी बना के रख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम मेरा जैसे कि वजन में 1.5 किलो था ये तीसी, तो इसको 2 पानी से अच्छे से धो के और जाली में छलनी में रख लिए थे ताकि इसका पानी पूरा गिर जाए। और ये ऐसे मसूर दाल में भी बनता है, मूंग दाल में भी बनता है, सूजी में भी बनता है, पोहा में भी बनता है, बहुत चीज़ किसी चीज़ में मिला के आप इसको बना दीजिए। तो ये बेसन और सूजी मिला के बना रहे हैं तो और खास्ता बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो इसको इसमें मिला दिए हैं, बेसन सूजी और तीसी हम लोग बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में, इसको सीट बोला जाता है। तो अब इसमें दे दिए हैं मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और नमक दिए हैं, तो टेस्ट के अच्छा आता है। और इसको देखिए एकदम छोटा छोटा पीस में, चावल के बोरी होता है ना उसी पर बना रहे हैं। तो बना के आप तो दिन भर में सूख जाता है, बहुत जल्दी सूखता है ये। ऐसे 2 दिन रखना रहता है, 1 साल तक स्टोर करना रहता है। तो 2 दिन तक सुखाते हैं अच्छे से, उसके बाद इसको फिर एयर टाइट डिब्बा में रख देते हैं ताकि, और इसको दाल भात के साथ, आप दाल भात बनाए और नहीं मन कर रहा है सब्जी बनाने का या चोखे बनाए, तो उसके साथ भूंज के बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। ऐसे भी कभी कुछ खाने का मन कर रहा है तो इसको भूंज के तेल में खा लीजिए, बिना तेल के भी भूंज के खा सकते हैं। ये फ़ायदा बहुत करता है, तीसी ज़रूर खाना चाहिए रोज़ थोड़ा सा भी 1 चम्मच की मात्रा में भी मुँह में जाना चाहिए। तो 2-4 बरी भी अगर आप खाते हैं तो देखिए ऐसे सूख के बन के ऐसे होता है। और इसको हम तेल में जैसे दाल चोक रहे थे उसके पहले ही इसको भूंज लेते हैं वही तेल में और निकाल लेते हैं, क्योंकि तेल इसमें एकदम सोख नहीं करता है, थोड़ा सा भी तेल नहीं लगता है, बस इसको भूंजने के लिए और निकालिए और तेल वैसे ही बचा रहता है। तो इससे फिर दाल भी तड़का लगा सकते हैं यही तेल में। तो और दाल भात के साथ इतना अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। और बनाना सबसे ईजी यही बनाना है, तीसी का बरी कुछ में भी डाल के आप बना दीजिए, सूख जाएगा दिन भर में। थैंक यू गाइस।